अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सभा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वेकेशन स्टार्ट हो गई, जिसे सबको पता है क्रिसमस हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं आज वेकेशन पे। लेकिन वेकेशन पे जाने के लिए हमारा बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि हमारे चैनल पे कंप्लीट हो गए हैं 1K सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच। और एक्चुअली 1K के बहुत ऊपर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो हम लोग आज उसकी सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, और एक सीक्रेट सेलिब्रेशन इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक का ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आप देखोगे कि हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया है, और आज क्रिसमस भी है। तो ज़रूर इस वीडियो के स्टार्ट टू एंड तक का हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए अमेजिंग से इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेलिब्रेशन टाइम स्टार्ट हो गया है। जीजू ने बुक कर ली है उबेर, हमारी कार आ गई है, इसमें बैठकर हम निकल चुके हैं हमारे सफ़र पे। रास्ते में हमने बहुत अच्छी अच्छी सी सीनरीज देखी है। फिर कुछ ही टाइम में हम पहुंच गए हमारे रिजॉर्ट में, जिसका नाम है स्टार वुड्स। और ये देखिए, हम इसके अंदर अभी एंटर कर रहे हैं, और जीजू चले गए कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए रिसेप्शन पे। जब तक मैं आपको यहाँ का व्यू बता रही हूँ, देखिए क्या अमेजिंग सी ग्रीनरी है यहाँ पर। फिर सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, तो बच्चे लोग जो है यहाँ पर चले गए पूल में स्विमिंग करने के लिए। जब तक वे लोग इंजॉय कर रहे थे, हम यहाँ पर मेरे जीजू, सिस्टर और मैं कर रहे थे हमारे रूम में आराम। ये देख लीजिए हमारा रूम साइड भी है ना, बहुत ही अमेजिंग। फिर इसके बाद हो गया हमारा लंच टाइम, फिर हम चले गए लंच के लिए। लंच में भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी इनके पास वेज नॉन वेज दोनों वैरायटीज़ होती है, और बहुत ही अच्छा और मुझे तो बहुत ही डिलीशियस फूड लगा। फिर लंच के बाद हम आ गए हमारे डेकोरेशन पार्ट में। ये देखिए, सारा डेकोरेशन का सामान हमने निकाल दिया, और ये देखिए हमारा हो गया डेकोरेशन तैयार। इसे मैं और मेरी जनीस है, हम दोनों ने मिलके इसे सजाया है, और देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ये व्यू। यहाँ हो गया मेरे 1K का सेलिब्रेशन। फिर मैंने जो आपको सीक्रेट सेलिब्रेशन की बात की थी, वो थी मेरे जीजू का बर्थडे। यस, ये हमने उनकी फिर सेलिब्रेशन की तैयारी की। बट जब हमने रूम में किया, तो फिर हमें लगा हमें बाहर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बाहर सेलिब्रेट करने के लिए हमें ये वाला व्यू जो है ये रिजॉर्ट के पास का बहुत अच्छा लगा। तो हमने फटाफट से यहाँ पर भी सारी डेकोरेशन कर ली, यहाँ पर सब रख दिया, केक डेकोरेशन हो गया है। देखिए हमने यहाँ पर टैग भी लगा दिया है, और चश्मा भी रख दिया है, केक भी रख दिया है। देख लीजिए, हो गया हमारा सेलिब्रेशन टाइम ख़त्म। फिर यहाँ पर हम मैं आपको दिखा रही हूँ अभी इवनिंग का व्यू, पूल साइड का दिखा रही हूँ। देखिए मैं आपको, लाइट वगैरह इन्होंने रात में चालू की थी, क्योंकि क्रिसमस टाइम भी था तो अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था। और ये गार्डन साइड भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छा लगा हमें तो, यहाँ पर सेलिब्रेशन करके बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि दो दो सेलिब्रेशंस थे। देखिए सब कितना इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हो गया हमारा डिनर टाइम, फिर हमने डिनर किया, डिनर भी बहुत अच्छा था। फिर से इनके पास दोनों वेराइटीज़ थी, वेज नॉन वेज, और सुबह जो लंच था उससे काफ़ी अलग था। और फिर हम चले गए सोने, और अब हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।